तो कैसे हो सर? यार मैं बहुत दिन से सोचा था कि एक आर्म्स वर्कआउट शूट करूं, जैसे आर्नोल्ड करता था बैक इन 70, उसका रूटीन तो बहुत अच्छा रूटीन है। तो मैं सोचा टाइम निकालूं, शूट करूं। फिर आज एक मौका लगा मेरे दोस्त के साथ शूट करने का, कॉलेज का दोस्त है मेरा अदर वन। तो भाई के साथ शूट कर रहे थे आज, खाली जिम है, एकदम परफेक्ट है। देखना कैसे कैसे वर्कआउट बनी है। मैं सारे सेट तो नहीं दिखा पाऊँगा, तो एक सेट मैं करूँगा, एक सेट रोहन करेगा। हर वर्कआउट मैं वॉइस ओवर कर दूँगा कि कितने सेट और कितने रेप्स हैं बाकी, और एक एक सेट वीडियो में आएगा ही। टेक्निक देखना, और इसमें इस वर्कआउट में वेट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्यों रोहन, स्टार्ट करें? सो गाइज, ये वर्कआउट बिगनर्स के लिए नहीं है, जिन्हें एक से दो साल हो गया है वर्कआउट करते हुए, वो ही ट्राई करें ये वर्कआउट। तो इसमें हम चार सुपरसेट लगाने वाले हैं। पहला सुपरसेट है हमारा बारबेल कर्ल प्लस स्कल क्रशर्स। बारबेल कर्ल्स विद स्कल क्रशर के हमें टोटल 5 सुपरसेट लगाने हैं। बारबेल कर्ल्स के हमें 18 रैप इन टोटल लगाने हैं, 12 नॉर्मल रैप लगाने हैं और 12 सुपर स्लो रैप लगाने हैं। आप जैसे वीडियो में देख सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, वेट ज़्यादा नहीं लेना। लास्ट के जो 6 रैप होते हैं बहुत मुश्किल हो जाता है टोटल निकालना, तो वेट कम ही लेना और कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस ज़्यादा करना। इसके बाद हमें स्कल क्रशर करने हैं, स्कल क्रशर्स के 15 रैप करने हैं। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप बारबेल कर्ल कर रहे हो तो बारबेल कर्ल करते हुए मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि अक्सर लोग फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं करते, अक्सर लोग शोल्डर मूवमेंट कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सिंगल जॉइंट मूवमेंट है, सिर्फ आपकी एल्बो से अप एंड डाउन मोशन होना चाहिए, और अप एंड डाउन का मतलब पूरा डाउन एंड पूरा अप, तभी आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे अगर आप पूरा रेंज ऑफ मोशन करोगे, अप एंड डाउन कॉन्सेंट्रिक और इंसेंट्रिक मोशन पूरा करोगे। अक्सर लोग आगे पीछे शोल्डर को हिलाते हैं और पूरा डाउन नहीं लेके जाते, और ईगो लिफ्टिंग करते हैं जो बिल्कुल ही इनइफेक्टिव है। तो वेट उतना ही लो जितना आप प्रॉपर रैप कर सको, और अगर आप ये सुपरसेट ढंग से करते हो तो आपको इनसेन पंप आने वाला है। आप ये वर्कआउट करके देखना, फिर आके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको पहले ही सुपरसेट से अच्छा पंप आया है या नहीं। They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. So, हमारा next superset है dumbbell hammer curls with pulley push down. तो dumbbell hammer curls के हमें 12 rep निकालने हैं, और उसके बाद पुली पुश डाउन करना है। पुली पुश डाउन कैसे करना है आगे मैं वीडियो में बताता हूँ। 12 रैप से मेरा मतलब है 12 रैप ऑन ईच हैंड। हैमर कर्ल वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है बाइसेप थिकनेस बढ़ाने के लिए। इसके भी हमें टोटल 5 सुपरसेट लगाने हैं। तो पुली पुश डाउन में आपको लाइट वेट रखना है, अपना मॉडरेट वेट से थोड़ा सा कम। इसमें आपको टोटल 40 रैप निकालने हैं। हाँ, 40 रैप सुनने में बहुत ज़्यादा लगते हैं, मगर बहुत इनसेन पंप आएगा। तो पहले आपको 20 रेप्स नॉर्मल लगाने हैं और 20 रेप्स लोअर हाफ लगाने हैं, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking
to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now. Best of me now. इस सुपरसेट में हम इंक्लाइन डंबल कर्ल विद रोप ओवरहेड एक्सटेंशन लगा रहे हैं. तो इंक्लाइन डंबल कर्ल में 6 तो हमें नॉर्मल रैप रखने हैं, 4 एक्स्ट्रा स्लो रैप रखने हैं जैसे हमने बारबेल कर्ल्स में किया था, और रोप ओवरहेड एक्सटेंशन के हमें 12 से 15 रैप करने हैं, और इन टोटल ये 3 सुपरसेट करने हैं. रोप ओवरहेड एक्सटेंशन बहुत इफेक्टिव होती है लॉन्ग हेड के ग्रोथ के लिए, और रोप ओवरहेड एक्सटेंशन में हमें 12 टू 15 रेप रखने हैं. रोप ओवरहेड एक्सटेंशन में ज़्यादा हैवी मत जाना, ज़्यादा हैवी जाने पे आपको शोल्डर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, तो मेन फोकस रखना कि आपके ट्राइसेप पे ही लोड आए. I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that cup, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. तो ये लास्ट सुपर सेट है, इसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स करने हैं, उसके बाद किकबैक करने हैं. इसके हमें इन टोटल 5 सुपर सेट करने हैं और 12-12 रेप्स करने हैं. तो यारो बहुत अमेजिंग वर्कआउट है, करके देखना, और यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना. चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ.